मौलिक अधिकारु वंचित ग्रामवासी रायगढ़ काशीपुर ब्लॉक अधीनस्थ सिरिपेई ग्राम पंचायत सेमेरी गांव ग्रामवासी को जाणीशु अंधार घेरें प्रशासन रखि देखा मिली। भारत स्वाधीनता 75 वर्ष बीती जाते सेमेरी गांव ग्राम से बसवास कर 25-30 ऊर्ध आदिवासी हरिजन गरीब निरीह पर बसवास करती। ग्राम से तथा कौन राजनैतिक कि प्रशासन पाद टिके पड़न ग्रामवासी ग्राम से ना अच्छी पानी जल व्यवस्था ना अच्छी रास्ताघाट ना अच्छी शिक्षा व्यवस्था ना अंगनवाड़ी सुविधा एमानक सरकारी पक्का घर योजना स्वप्न राजनेता प्रशासनिक अधिकारी वैमातृक मनोभाव साधारण प्रश्नवाची सृष्टि होती। सरकार वर्षक वर्ष माड़माड़ योजना घोषणा करछंती सत किंतु ग्रामांचल निरीह लोकों पर समस्त योजना अपहंच जिलार अधिकारी प्रियप्रीति जो योजनागुड़िक बाटबणा हो बारंबार विभिन्न समस्या सम्मुखीन हो उक्त समस्या प्रशासन को बारंबार अभियोग कर्णपात करूना जहांफल थंडा ज्वर झड़ावांती महिला मा मान जरूरीकालीन सेवे ने प्राय मुख्य रास्ता को 5 किलोमीटर लेलीगुमा ग्राम को चलिक पड़ता रास्तार सुविधा ना खटिया बुहा 30 किलोमीटर दूर लेलीगुमा ग्राम स्वास्थ्य केन्द्र को नेबा पड़ता है। विलंब जो पूर्व अनेक लोक मृत्यु एणु सेमेरी गांव को सावत पुओ नभारी निजर जन्मित पुओ भलिया तुरंत पदक्षेप नहीं मौलिक सुविधा देवाई ग्रामवासी दावी करायगड़ केशव सारा रिपोर्ट परिदर्शक मीडिया। सड़क दुर्घटना रे तीन जन मृत्यु कोटपाड़ ब्लॉक अंतर्गत बाटकुहुड़ी ग्राम निकट रे एक कार सह गोटे मोटरसाइकिल मुहांमुही धक्का फल घटनास्थल जनक मृत्यु होता बेले आउ जन को चिकित्सा पई कोटपाड़ गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को आणव समय रास्तार मृत्यु होता विषय कोटपाड़ थाना भारप्राप्त अधिकारी सूचना देखते। छत्तीसगढ़ राज्य जगदलपुर कोटपाड़ अभिमुखे आसुवा कार सह मोटरसाइकिल मुहांमुही धक्का होता प्रत्येक दर्शक बरणी से जमापड़ मृतक व्यक्ति नवरंगपुर जिला चुराहांडी ग्रामर कैलास माझी अन्य जन ढमणाहांडी ग्रामर गणपति पूजारी बोली थाना अधिकारी श्री शेषदेव बेहरा सूचना देते। कोटपाड़ जगदलपुर राजरास्तार डंगरी ग्राम निकटे कौन अजा गाड़ी धक्कर चली चली जाता ढमणाहांडी बैद्यु भत्रा नामक जन व्यक्ति घटनास्थल में मृत्यु होने थाना अधिकारी बरण देते। कोटपाड़ गौरीशंकर बेपर्ता रिपोर्ट परिदर्शक मीडिया। चिटफंड दुर्नीति गिरफ हेले पूर्वतन विधायक आंध्रप्रदेश पूर्वतन विधायक एमभी प्रसाद चिटफंड ठकई मामलें जमिन खारज होगा पर चौदार जेल को पठाई। सूचना अनुसार आंध्र ओडिशा को लंबी चिटफंड ठकई चेर 1200 कोटी टंकार चिटफंड ठकई गिरफ होती आंध्रप्रदेश पूर्वतन विधायक एमभी प्रसाद पखापाखि 500 कोटी टंकार ठकई होड़शार गिरफ पर कटक ओपीआईडी कोर्टे हाजर कर जमिन खारज कर चौदार जेल को पठाई। क्राइमब्रांच कड़ा सुरक्षा बलय भितर चौदार जेल हाजर करागला आसंता सोमवार दिन जमिन परवर्ती शुणी हेबो। टांगी चौदारू रतन प्रसाद बारिंग रिपोर्ट परिदर्शक मीडिया। गंजे चोरा चलाण में बस मालिक जयपुर सदर थाना तीन जन पुलिस गिरफ्त कर सूचना अनुसार जयपुर सदर थाना रो ओआईसी आदित्य महाकुड़ एक टाटा एचर गाड़ी गंजे चोरा चलाण हो खबर पाई सदर पुलिस टीम सह गंजे भर्ती गाड़ी को बाकनाड़ी छक निकट अटकाई 1008 केजी गंजे सह गाड़ी चालक को अटक रखी अंधार सुजोग नहीं दुईज चंपट मारी गिरफ करने आउ गोटे टीम कर गिरफ्त कर गोटे कार बाइक 1,65,000 और फोन जबत कर गिरफ होता अभियुक्त मैंने सुरेश कुमार बेनिया सुभाष चांदा ओएस बेणकेट स्वामी मधुर जने बस मालिक बोली जमापड़ गंजे जलापुटर जयपुर आसी बाहर राज्य को पठेबार योजना थिला बोली सूचना देते जयपुर एसडीपीओ अरूप अभिषेक बेहरा पटांगी कृष्ण गोलरी रिपोर्ट परिदर्शक मीडिया। कोटियारे पुणि कार्यक्रम आरंभ कला आंध्र कोटिया विवादर समाधान निमन्ते मान्यवर सुप्रीमकोर्ट उभय ओडिशा एवं आंध्रर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी आपोस बुझाणे उक्त विवाद को समाधान निमन्ते निर्देश देता बेले पुणि आंध्रप्रदेश द्वारा सीमांत ग्राम नेरेडी बालासाठारे आंध्रर जनश्रेणी कार्यक्रम अनुष्ठित होती। उक्त कार्यक्रम आंध्रप्रदेश कोटिया थाना द्वारा आयोजित होता बेले थाना अधिकारी सीआईबी रोहिणी पथी अध्यक्षतार आयोजित होता। उक्त कार्यक्रम में नेरेडी बालासा ग्रामवासी उपस्थित होगा सह ग्राम से पानी जल अव्यवस्था आधार कार्ड ईकेवाईसी करा जातिगत प्रमाणपत्र करा नेरेडी बालासा सालुर पर्यंत बस सेवा उक्त ग्राम से ग्रामवासी विभिन्न रोग से रोगक्रांत होता कारण मेडिकल कैंप करमें दावी कर। कोरापुट वेंकटेश रिपोर्ट परिदर्शक मीडिया।